सिर्फ 15 मिनट में अपनी काली मैली गर्दन को इस चीज से साफ और गोरा बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप अपनी गर्दन का कालापन दूर करना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और आसान है। हमारी गर्दन पर मैल होने के बायस हमारी गर्दन चेहरे से अलग दिखाई देती है। ये मैल और काली गर्दन दिखने में बहुत बुरी लगती है। आज की इस रेमेडी के 15 मिनट के ही इस्तेमाल से आपकी गर्दन का काला और मैलापन दूर होकर आपकी गर्दन का रंग चेहरे की तरह साफ और गोरा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आप एक खाली बाउल लेंगे। सबसे पहले आप इसमें एक चम्मच बेसन का ऐड करेंगे। इसके बाद आप इसमें हाफ चम्मच कॉफी का ऐड करें। बेसन जो हमने इसमें ऐड किया है ये हर लिहाज से हर स्किन के लिए सूटेबल है, जो हर स्किन टाइप्स के लिए बेहतरीन है। अब आप इसमें हाफ लेमन का जूस ऐड करें। लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो स्किन को ब्राइटन और लाइटन करती हैं। इसको प्रेस करके इसका सारा जूस निकाल लें। अब आप इसमें दो चुटकी बेकिंग सोडे के ऐड करें, 5 से 6 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल के ऐड करेंगे और लास्ट में आप इसमें 2 चम्मच रोज वाटर के ऐड करें। रोज वाटर ऐड करने के बाद आप इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। ये पैक आपकी गर्दन का कालापन दूर करेगा, आपकी गर्दन को लाइटन एंड ब्राइटन बनाएगा, सारी गंदगी मैल सब साफ होकर आपकी गर्दन बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ये देखें जी, ये पैक हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। इसे आप अपनी गर्दन पर किस तरह अप्लाई करेंगे। इस पैक को अपनी गर्दन पर अप्लाई करने से पहले अपनी गर्दन को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद इसको अच्छे से अपनी गर्दन पर लगा लें और 15 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद अपनी गर्दन को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। वीक में 2 बार इसे इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपकी गर्दन साफ सुथरी और गोरी हो गई है। इसके इस्तेमाल करने से आहिस्ता आहिस्ता आपकी गर्दन का कालापन दूर हो जाएगा और आपकी गर्दन बहुत ज्यादा लाइटन एंड ब्राइटन हो जाएगी। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।